साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे ड्रोटीकाइंड एम। साथियों इसमें ड्रोटावरीन 80 mg एंड मिफनेमिक एसिड 250 mg कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। टू कॉम्बिनेशन मेडिसिन है साथियों, ये मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है। मैनकाइंड की स्टार डिवीजन की जो है ये मेडिसिन है। 79 rupees 64 paisa फॉर 10 टैबलेट, 10 टैबलेट के लिए जो है 79.64 paisa टैबलेट है साथियों। ये इजीली से मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। तो साथियों इसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ इसके यूजेस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे एंड हाउ टू वर्क, और ये वर्क कैसे करती है साथियों इसके बारे में बात करेंगे, व्हेन नॉट टू बी यूज और कहाँ इसको नहीं यूज करना चाहिए, वार्निंग की बात करेंगे, साथ ही साथ इसके डोज की बात करेंगे एंड इंट्रक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे साथियों ये है क्या। तो ड्रोटीकाइंड एम 80 mg एंड 250 mg मीन्स ड्रोटावरीन 80 mg एंड 250 mg इज ए कॉम्बिनेशन मेडिसिन। साथियों ये क्या है, कॉम्बिनेशन मेडिसिन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन। साथियों पेट के अंदर ऐंठन मरोड़ एब्डोमिनल पेन होता है उसमें ये जो है बहुत ही लाभकारी मेडिसिन है एंड इट वर्क्स इफेक्टिवली टू रिड्यूस एब्डोमिन प्लेट पेन। एब्डोमिन के पेन को जो है कम करता है एंड फ्लोटिंग मीन्स साथियों क्या होता है कि जैसे गैस बनने लगता है, इस तरह से जो है बबल बनने लगते हैं, मसल क्रेम भी होता है, ऐंठन मरोड़ होता है और एक तरह से डिस्कम्फर्ट होता है एंड क्रेम्स बाय रिलैक्सिंग द मसल्स ऑफ स्टमक एंड गट। और ये क्या करता है, जो पेट की और जो गट है और छोटी आंत है उसके मसल्स हैं जो स्टिमुलेट करते हैं और उसको क्या करता है, रिलैक्स कर देता है, मसल जो क्रेम होता है और उससे क्या होता है कि एब्डोमिनल पेन का जो है दर्द रिड्यूस हो जाता है और आराम मिल जाता है। इट आल्सो ब्लॉक्स द सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स दैट काज पेन। और ये क्या करता है, केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक कर देता है और उससे क्या होता है कि पेन जो है मतलब नहीं होता है और डिस्कम्फर्ट जो होता है वो नहीं होता है। तो साथियों ये डिस्क्रिप्शन के बारे में बात हो गया, साथ ही साथ इसके यूज के बारे में बात करेंगे। तो दिस इज यूज इन एब्डोमिनल पेन जैसा कि बताया है, साथ ही साथ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो पेट के अंदर ऐंठन मरोड़ होती है उसके उसमें काम किया जाता है। साथ ही साथ मेनस्ट्रुअल पीरियड, महिलाओं के अंदर मासिक धर्म जो आता है उसमें क्या होता है, कभी कभी हैवी मासिक धर्म आने लगता है, ब्लड ज़्यादा निकलता है और किसी कारणवश बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, ऐसे केस में डॉक्टर इसको जो है रिकमेंड करते हैं ड्रोटीन एम टैबलेट। तो साथियों पेट के अंदर किसी तरह की ऐंठन मरोड़ वाला दर्द है तो उसमें ये बहुत ही लाभकारी मेडिसिन है। साथियों इसी के साथ साथ बात करेंगे वर्क कैसे करता है, हाउ टू वर्क। तो ड्रोटावरीन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेडिसिन, एक तो इसमें होता है ड्रोटावरीन एंड मिफनेमिक एसिड, जो मिफनेमिक एसिड होता है विच रिड्यूस दी पेन एंड क्रैम्प्स। ड्रोटावरीन नीचे एंटी स्पॉडमोटिक, और ड्रोटावरीन क्या होता है साथियों, एंटी स्पॉडमोटिक होता है, रिड्यूस दी कॉन्स्ट्रक्शन, जो स्पास्म होता है उसको रिड्यूस कर देता है और उसको क्या होता है, मसल्स जो स्मूथ होती हैं उनको जो है उसके अंदर का जो पेन है क्रैम्प्स होता है उसको रिड्यूस कर देता है और उससे आराम मिल जाता है। साथियों मिफनेमिक एसिड क्या होता है, ये जो है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्लास की ड्रग है, जो फ्लोटिंग के लिए और किसी तरह का सर्टन केमिकल मैसेंजर होता है उसको ब्लॉक कर देता है और उससे क्या होता है कि एब्डोमिन पेन और इन्फ्लामेशन को जो है रिड्यूस कर देता है और उससे क्या होता है इसमें जो स्वेलिंग है स्वेलिंग को भी कर देता है, तो उस तरह से ये काम करता है। साथियों साथ ही साथ इसके जो है साइड इफेक्ट की बात करेंगे, बहुत से मरीज इस दवाई का जब सेवन करते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं, जैसे कि नोजिया एंड वोमिटिंग हो जाती है, डायरिया होने लगता है और स्टमक में जो है क्या होता है कि पेन और कभी कभी भूख की कमी हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट और मुंह के आसपास जो है सूखापन हो जाता है, ड्राइनेस ऑन माउथ, और साथ ही साथ क्या होता है पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो इस तरह से जो है कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो साथियों इसी के साथ अगर इसके अलावा कोई अगर कोई साइड इफेक्ट दिखता है तो तुरंत इसका सेवन बंद कर दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। साथियों कहाँ कहाँ इसका यूज नहीं होता है, व्हेन नॉट टू बी यूज, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर इसको पहले से आपने यूज किया है और आपको किसी तरह से इसका मतलब सूट नहीं करती और एलर्जिक प्रॉब्लम कर दे रही है तो आप इस दवाई का सेवन ना लें। और यह जिसके भी लीवर इम्पायर्ड फंक्शन होते हैं, लीवर प्रॉब्लम होती है, लीवर में किसी तरह का विकार है, तो डॉक्टर के सलाह से ही लेना चाहिए, अदरवाइज इस दवाई का सेवन ना करें। साथ ही साथ क्या होता है कि बाईपास सर्जरी अगर साथियों किसी की हुई है तो उसको जो है इस दवाई का सेवन ना करें।
वार्निंग की बात करेंगे साथियों, प्रेगनेंसी लैक्टेशन मदर्स को जो है इस दवाई का सेवन नहीं करना है। साथ ही साथ साथियों, जो है लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, एलर्जिक रिएक्शन है, उसमें इस दवाई का सेवन नहीं करना है साथियों। और हार्ट हाइपोटेंशन है, अगर ब्लड प्रेशर लो रहता है तो इस दवाई का सेवन नहीं करना है साथियों। डोजेस की बात करेंगे, डॉक्टर इसको जो है अपने हिसाब से रिकमेंड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। अदरवाइज एडल्ट का जो डोज है इसका वंस ए डे और मॉर्निंग एंड इवनिंग, मतलब दिन में दो बार। तो ज़्यादा पेन है तो सुबह शाम, मतलब 1 BD टैबलेट है, अदरवाइज 1 डे टैबलेट भी इसको ली जा सकती है साथियों। इंट्रेक्शन की बात करेंगे, जो भी पर्सन और मरीज इसका जो है अल्कोहल का सेवन करते हैं तो अल्कोहल के बाद इस दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो है बहुत सी मेडिसिन के साथ इसका जो है इंट्रेक्शन हो जाता है, जैसे ग्लिमिप्राइड है, डाइक्लोफेनिक टैबलेट है, डाइजीपाम टैबलेट है। तो और बीमारी में जैसे किसी को किडनी प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, तो ऐसे जो है रोगियों को ये दवाई का सेवन नहीं करना है और डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवाई का सेवन करना है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है, कमेंट है, आप हमें करेंगे, हम जरूर उसका आंसर देंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए साथियों। नमस्कार।